नो क्रैकर्स का जो स्लोगन है वो हमें यूज करना चाहिए, नो क्रैकर्स का जो स्लोगन है वो हमें यूज करना चाहिए। ये सेंट मेरी पब्लिक स्कूल है, यहाँ पे जो फंक्शन हो रहा है हम इसको कवर करेंगे और जानते हैं लोगों से किस तरीके से दिवाली मनाएंगे शांतिपूर्ण तरीके से और प्रदूषण रहित दिवाली मनाने के लिए। जो पेरेंट्स आए हुए हैं, जो यहाँ पे बच्चे हैं, इनके मन में क्या है और किस तरीके से दिवाली मनाने की प्लानिंग हो रही है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। विदाउट क्रैकर्स एंड ऑल, नो सो इन दीज डेज एक्चुअली द पॉल्यूशन लेवल इज वेरी हाई, सो वी नीड टू फाइंड आउट द वे हाउ टू सेलिब्रेट दिवाली इन ए पीसफुल वे। एक्चुअली ऑफकोर्स बिल्कुल, एंड एवरीवन शुड टेक इनिशिएटिव रिगार्डिंग दिस, बिकॉज यू नो वी लिव इन एनवायरमेंट वेयर लॉट ऑफ पॉल्यूशन आर देयर, सो वी हैव टू वेरी केयरफुल ऑन दैट, दैट विल अफेक्ट द लाइफ ऑफ एवरीबॉडी। इस बार की दिवाली को किस तरीके से मनाने की देखते हैं आप? मेरे हिसाब से जो मेरा पर्सनल व्यू है उसमें क्या है कि जो बच्चे हमारे न्यू जनरेशन है उनको मोटिवेट करना चाहिए, उन्हें ज्यादा बताना चाहिए कि आगे जो एनवायरमेंट आने मिलने वाला है, हम आने वाली जनरेशन को क्या एनवायरमेंट दे सकते हैं, हेल्दी एनवायरमेंट कैसे दे सकते हैं। उसके लिए हमें जो क्रैकर्स हैं जो इतना पॉल्यूटेड हो रहा है एनवायरमेंट में, जो एयर इतनी पॉल्यूटेड हो रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसे कम करने के लिए इस बार हमें दिवाली पर नो क्रैकर्स का जो स्लोगन है वो हमें यूज करना चाहिए। जैसे इस बार गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराया हमें कि ग्रीन जो हमारे ग्रीन क्रैकर्स, ग्रीन दिवाली, उसको हमें अप्लाई करनी चाहिए। और जितना ज्यादा हम अपने बच्चों को, अपने आस पड़ोस को, अपने नेबर्स को बताएंगे, इसमें स्कूल जैसे सेंट मैरी है, सभी स्कूलों का एक रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्रैकर्स के लिए होते हैं वो बच्चे ज्यादा वो होते हैं उसके कर्म जलाने के लिए या उसको पॉल्यूट करने में इन्वॉल्व, हाथ उनका हाथ उसको कंट्रोल करने में भी सबसे ज्यादा है। तो स्कूल के थ्रू जैसे हम ये ग्रीन दिवाली या ये सब चीजें जो एज पर सेंट मैरी कर रहा है उसको काफी अच्छी तरह से हमें आगे बढ़ाना चाहिए, बच्चों को हेल्प करनी चाहिए और बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, या स्कूलों में इसका कोई कैंपेन स्टार्ट करना चाहिए, सेंट मैरी आगे कोई प्रोजेक्ट कर। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम आने वाली जनरेशन है जो छोटे छोटे स्कूल के बच्चे हैं, इनको क्या इन्वायरमेंट देंगे, इनसे पूछते हैं, बच्चों से भी पूछते हैं। आप लोग इस बार पटाखे और बम बारूद से दूर रहेंगे इस बार, ये सोचा है, प्रॉमिस करेंगे इस बार? या आप ये देख सकते हैं बच्चे भी मेरे साथ प्रॉमिस कर रहे हैं, ताकि इस बार दिवाली इस बार कैसे मनाओगे? बिल्कुल दिवाली बनाएंगे आज हम। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चिल्ड्रेन है और ये जो स्कूल के बच्चे हैं, ये लोग यहाँ पे मेरे को प्रॉमिस कर रहे हैं कि इस बार जो है पॉल्यूशन फ्री दिवाली मनाएंगे। इससे बड़ी खुशी की बात कुछ हो नहीं सकती है, क्योंकि ये है देश के भविष्य, है फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, फ्यूचर ऑफ द स्टेट एंड फ्यूचर ऑफ द नेशन, यू कैन से एवरीथिंग। दिवाली को प्रदूषण रहित दिवाली मनाना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं हर कोई स्टूडेंट जुड़ना चाह रहे हैं, और हम कभी अभी इनसे भी बात करेंगे, जो टीचर्स हैं इनसे भी बात करेंगे। दिवाली बड़ा खुशियों का त्यौहार है, इसको बड़े गले मिलके और बहुत ही अच्छे से मनाया जाए। इट्स ए वेरी गुड फेस्टिवल, और बहुत ही दिल के शिकवे हैं जो आपस में हमारे रहते हैं उनको खत्म करके और दिल से दिवाली हम लोगों से मनाएं। किस तरीके से दिवाली को मनाना चाहिए? दिवाली में बस यही कि पटाखे वगैरह ना फूटे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि इससे हमारे बच्चों को भी नुकसान होगा। जो बारूद वाला आइटम है उसको ना खरीदा जाए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आप इस बार किस तरीके से सजेशन देंगे और उस पड़ोस में क्या बोलना चाहेंगे? यही बोलना चाहूंगी कि बस पटाखे वगैरह ना छोड़े, जाके ये हमारे बच्चों को नुकसान देंगे, ये हमारे लिए भाई बच्चों के लिए ठीक नहीं है। तो हम आग्रह यही दर्शकों से यही करना चाहेंगे सबसे, आप लोग खुद से आग्रह कीजिए, निवेदन कीजिए और पटाखों से दूर रखिए सबको, खुद को भी, और अपने पैसे को बर्बाद ना करें, ताकि पैसे बर्बाद होने पर खाली बड़ी बात नहीं है, इससे जो आउटपुट निकलता है वो आउटपुट हमारे लिए कोई फायदेमंद नहीं है, समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए, और ग्लोबल वार्मिंग में खासकर तो पूरे विश्व ब्रह्मांड के लिए दिक्कत भरी बात हो सकती है, हो चुकी है ऑलरेडी। तो कहीं ना कहीं इसको कम करने की कोशिश करेंगे, जितना कम कर सकें हम लोग ट्राई करेंगे, और इस बार की दिवाली को प्रदूषण रहित दिवाली मनाने में हाथ बटाएंगे, और देश दुनिया के
भले के लिए हम इसको सोचेंगे। हमारा दिवाली को नजर में रखते हुए आप क्या बोलना चाहेंगे, किस तरीके से दिवाली को मनाना चाहिए, प्रदूषण से दूर रखेंगे इस बार दिवाली को? प्रदूषण से दूर रखने के लिए दीपावली में आपके जो ये चलते हैं ना, क्या बारूद वाले ये चीजें हैं, इनको नहीं लेना चाहिए यूज में। छोटे बच्चों को तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। बाकी ये फुलझड़ी वगैरह है ये तो फिर भी चल जाती है। बाकी रॉकेट है आपके, चिड़िया है, ये आग लगाने का भी जो है काम करती है, इसलिए इनको दूर रखना चाहिए। चाहेंगे किस तरीके से दिवाली को मनाना चाहिए? दिवाली तो कैंडल से ही या दीप से ही होती है, बाकी पटाखों से तो पॉल्यूशन ही फैलता है, और इसलिए ज्यादा से ज्यादा दीप जले और कैंडल जले, यही संदेश है। हम किस तरीके से दिवाली मनाएंगे इस बार? इस बार हमने सोचा है कि दिवाली पर पटाखे नहीं जलाएंगे, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हमारे देश के सिटीजन होने के नाते हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हमें भी कुछ ना कुछ कोऑपरेट करें। हम इस बार दिवाली कैसे मनाया जाए? बिल्कुल बिल्कुल पॉल्यूशन रहित ही मनाया जाएगा, और क्या। दिवाली के लिए आपसे पूछना चाहूंगा मैम, यहाँ पे आप क्या आदेश करेंगे, बच्चे जितने हैं और पॉल्यूशन को नजर में रखते हुए आज ए टीचर, तो आप क्या बोलना चाहेंगे इस बार प्रदूषण रहित दिवाली कैसे मनाया जाए? देखो हम तो इंडियंस हैं और हमारा दिए हर काम में दिए ही जलते हैं, तो दिए जला के ही हम अपने घर को रोशन करेंगे। और बच्चों से भी हम यही चाहेंगे कि अपना घर में नो चाइना लाइट, ओनली दिए हमारे जो हमारे अपने भाई बनाते हैं। तो आप क्या मैम बोलना चाहेंगे? मैं वही दिए पटाखे के लिए बच्चों को मना कर देंगे, कोई पटाखे नहीं जलाएगा और बस दिया ही दिया जला के अपने घर को कैंडल और दिया के साथ अपने घर को रोशन करेंगे। बहुत खुशी की बात है, आज हर कोई चाह रहा है। मैम यस सर, बोलिए कैसे मैम इस बार दिवाली मनाया जाए ताकि प्रदूषण से और पॉल्यूशन से, ग्लोबल वार्मिंग से सभी को बचाया जा सके। सर एक दूसरे को मिलकर और ऐसा ही खाना पीना जो बिना गैस के बनाए। यस अच्छा, आप लोग बिना गैस के खाना बना रहे हैं? वो बिजली यूज कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, तो आप लोग क्या चाहते हैं, किस तरीके से दिवाली मनाया जाए? सर बिना पॉल्यूशन वगैरह ना हो इस तरीके से मनाई जाए, इसलिए हम लोग गैस इसका इंडक्शन का यूज कर रहे हैं। इस बार दिवाली कैसे मनाया जाए, पॉल्यूशन फ्री दिवाली या फिर वही बम पटाखे फिर बारूद? नहीं, पॉल्यूशन फ्री दिवाली कैसे मनाएंगे, क्या मैसेज देंगे समाज? मैसेज ये देंगे कि कोई बम वम कोई ना चलाए। इस बार दिवाली किस तरीके से मनाया जाए पॉल्यूशन फ्री के लिए? पॉल्यूशन फ्री के लिए डोंट क्या बर्न क्रैकर्स एंड प्लांट ट्रीज, मोर एंड मोर ट्रीज। आप जितना भी गमले वगैरह लगाइए, अपनी बालकनी को डेकोरेट करिए, सुंदर सी रंगोली बनाइए, गरीबों ने जो दिए बनाए हुए हैं हमारे कुमारों ने उनको जलाइए, ये जो चाइनीज लाइट है ये सब बंद कर दीजिए और इंडियन माल को यूज करिए और इंडिया को आगे लेके जाइए। तो आप सर क्या मैसेज देंगे समाज को? दिवाली का उत्सव इसी तरह से मनाना चाहिए, पटाखों से दूर रहें, प्रदूषण को दूर भगाएं इंडिया से। देखना बाकी रहेगा कि इस बार दिवाली के बाद पॉल्यूशन लेवल जो है कितना आगे तक रहता है और कितना बढ़ा हुआ रहता है, मगर उम्मीद है इस बार की दिवाली में हर कोई चाह रहा है कि इस बार दिवाली में फुलझड़ियां बारूद वाले आइटम से दूर रखी जाए चीजों को। क्या बोलना चाहोगे, कैसे मनाओगे दिवाली? हम पटाखे नहीं फोड़ेंगे, मिठाई बांटेंगे। दिवाली को आप किस तरीके से मनाने की जो एड्रेस करेंगे, क्या निवेदन करेंगे जनता को? एक्चुअली सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जैसे हमारे इंडिया का जो पॉल्यूशन लेवल है और स्पेशली दिल्ली एनसीआर का तो काफी ज्यादा ऊपर है, सो वो वेरी हार्मफुल है फॉर पीपल एज ए किड्स के लिए। अगर मैं बात करूं तो वो बहुत ज्यादा परेशान करने वाली बात है, लेकिन अभी तक हम लोग अभी इस चीज को सीरियसली नहीं ले रहे। देखिए सरकार तो हमारे लिए कदम उठा रही है, लेकिन उससे पहले हमें भी कुछ अपने बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो जागृति है इनके सर का कहने का मतलब, सबसे बड़ा मुद्दा निकल के यही आया है कि हमारे अंदर की जो जागृति खुद में होनी चाहिए, ताकि हम दूसरों को बोलने से पहले, प्रशासन को कसूरवार ठहराने से पहले ना, हम अपने गिरेबान पे झांक के देखें कि हम क्या सही कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि पैसे हमारे हैं, पटाखे फुलझड़ियां हम ही खरीदते हैं। एग्जैक्टली, है ना, पैसे भी हम खर्च कर रहे हैं, पोल्यूशन भी हम ही कर रहे हैं और नुकसान भी हमें ही हो रहा है। एग्जैक्टली, तो इसमें सरकार को हम दोष नहीं दे सकते। कालिदास आपने सुना होगा कि जिस डाली में बैठे थे उसी डाली को काटते थे, तो हम लोग कहीं ना कहीं वही काम करते थे पहले। और इस बार की दिवाली के लिए इनसे सर से स्पेशल रिक्वेस्ट है कि क्या निवेदन करना चाहेंगे फाइनली? देखिए मैं सबसे पहले एक बात बताना चाहूंगा इस दिवाली के, जितने भी हम सारे लोग हैं दिवाली को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें और खास तौर पे इस बात का ध्यान रखें कि पोल्यूशन हम ना के बराबर, क्योंकि बच्चे हैं जिद करते हैं, तो कुछ ऐसे क्रैकर्स हम यूज कर लें
जिससे हमारा पोल्यूशन भी ना हो और बच्चे भी खुश हो जाए, क्योंकि दिवाली जो है वो एज ए फेस्टिवल हमें मनानी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, सारे जो जितने भी रिलीजन्स हैं वो इंडिया में दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि हमें जो दिवाली सेलिब्रेट करनी है सबके साथ लेकर मनानी है और पोल्यूशन नहीं करना, ताकि इस बार दिवाली को किस तरीके से पोल्यूशन फ्री बनाया जाए। यहाँ पे हमारे साथ पेरेंट्स भी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं किस तरीके से पोल्यूशन से दूर रखा जाए बच्चों को। नमस्कार, हाथ जोड़ के सविनय निवेदन है, आप पटाखा नहीं फोड़ना और बाहर का जो चाइनीज लाइट आती है वो मत जलाना, मिट्टी का दिया जलाना, घी का दीपक जलाना, इसी में आप लक्ष्मी और गणेश की पूजा करके दिवाली का त्योहार मनाना। तो आप सर क्या इस बार निवेदन करना चाहेंगे जनता को और खुद भी कैसे दिवाली मनाएंगे? नहीं, हम तो ये बोलेंगे बम पटाखे अवॉइड करें, बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि पोल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा हो चुका है दिल्ली के अंदर। तो आप मैम क्या बोलना चाहेंगी, आप किस तरीके से दिवाली के लिए खुद के मन में क्या है इस बार मामला? जी, इस बार पटाखे बिल्कुल बंद है और 40 चीजों का बहिष्कार करें और हैप्पी दिवाली। मैम आप क्या, हम भी यही बोलना चाहते हैं कि पटाखों को अवॉइड करें और बाहर के लड़ियों की जगह मिट्टी के दिए जलाएं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम जावेद है और मेरी तरफ से बहुत दिल से सब लोगों को हैप्पी दिवाली। और ये बड़ी ही अच्छा फेस्टिवल है, लोगों से बड़े मोहब्बत से मिलने का फेस्टिवल है। मैं चाहता हूँ इस बार हमारा देश दिवाली हमेशा से और अच्छी बनाए, लेकिन उसमें हमें कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। वो सावधानियां ऐसी हैं जैसे कि हम पटाखे फोड़ते हैं, अपने अपने आप को ही अपने पैसों में आग भी लगाते हैं और प्रदूषण को दूषित करते हैं और फिर कहते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही। सरकार क्या करेगी, क्योंकि हम ही खुद ही खुद पटाखे खरीदते हैं, फिर उनको फोड़ते हैं, उनसे पोल्यूशन करते हैं, वायु प्रदूषण करते हैं, देन उसके बाद भी कहते हैं कि सरकार कुछ नहीं करेगी। सरकार का इतना नया सवाल ये, हमें इसको कदम उठाना पड़ेगा। हमें पटाखों को कम से कम फोड़ने हैं, कोशिश करने की ना ही फोड़े क्योंकि अगर जावेद जी, अगर मैं बात करूं तो ट्रेडिशनली इंडिया में दिया मोमबत्ती का ज्यादा प्रचलन है, आज से नहीं सालों पुराना प्रथा है ये। तो मैं यही बोलूंगा कि पैसों में भी आग लगाए, अपने बच्चों के लिए आगे के लिए नुकसानदायक और हमें भी नुकसानदायक। सो दिस अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज टू सेव योर दिवाली, अच्छे से दिवाली बनाए, सबसे मिले एंड पटाखों को कम से कम प्रयोग करें और अच्छे से सब लोग दिवाली बनाए और हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। तो जावेद जी का बहुत बड़ा यहाँ पे एक खुलासा है कि सरकार को हम कहीं ना कहीं दोष नहीं दे सकते हैं। इस तरीके से आप दिवाली को मनाएं ताकि शांतिपूर्ण तरीके से दिवाली मनाया जाए, प्रदूषण रहित दिवाली के लिए सभी को आग्रह के साथ दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए जनता जनार्दन के साथ। जय हिंद, जय भारत।